यूपी के हरदोई में डकैती व अन्य कई वारदातों को अंजाम देने वाले एक 10,000 के इनामी अपराधी को मंजिला पुलिस ने एक तमंचा कारतूस डकैती में की गई एक अंगूठी के साथ गिरफ्तार किया है। यह डकैती में वांछित था। वहीं एएसपी निधि सोनकर ने पुलिस लाइन में बताया कई वारदातों को अंजाम देने वाला शातिर बदमाश कल्लू पुत्र राशिद निवासी ग्राम चैना थाना मंजिला पुलिस के हत्थे मुखबिर की सूचना पर उस समय चढ़ गया जब वह आज ही तिराहे पर किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। वहीं मंजिला पुलिस व स्वाट टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक सोने की अंगूठी, एक 315 बोर का तमंचा व दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं एएसपी ने बताया कि इस अपराधी ने अपने साथियों के साथ 16 जुलाई 2017 को थाना मंझिला के ग्राम करसुआ ग्रांट के सुखदेव सिंह के घर दुस्साहसिक डकैती समेत कई वारदातों को अंजाम दिया था। वहीं बताया गया कि इसने परिवार को बंधक बनाकर डकैती डाली थी। इसके चार शातिर साथी पहले ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए थे जबकि यह फरार चल रहा था। इसके ऊपर 10,000 का इनाम था तथा कई अभियोगों में वांछित था। पेश है हरदोई के संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। ये नवंबर की घटना है, कसवागंट मछला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डकैती की घटना घटित हो गई थी। इसमें घर में दुस्साहसिक तरीके से पूरे परिवार को बंधक बना के और लूटपाट की घटना की गई थी। इस पर पुलिस टीम ने काफ़ी प्रयास किया हमारी और काफ़ी प्रयास के बाद इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें से चार अभी पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं और ये जो अभी गिरफ्तारी हुई है इसमें अभी का नाम कल्लू है, पुत्र रशीद। ये इस पर पहले भी 7-8 मुकदमों का आपराधिक क्रिमिनल हिस्ट्री है और 10,000 रुपये का इस पर इनाम पूर्व से ही घोषित भी है। इसको हमारे थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने मैता मंचे और माल जो इसके साथ लूट में कुछ सामान गए थे उनके घर से तो उसकी शिनाख्त करवाई तो एक अभी बरामद हुई है। इस पर भी दिक्कत बैठी जाए क्या बरामद क्या क्या है इस पर मुकदमे जो हैं 395 डकैती के दो मुकदमे हैं, जान से मारने के इरादे से मुकदमा है, पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा है, 25 आर्म्स एक्ट के दो मुकदमे हैं इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री में, कुल 8 मुकदमे अब तक हैं। बरामदगी क्या क्या है इनके पास से? अभी जो वर्तमान में मिला है एक तमंचा और एक अंगूठी पीली धातु की, जो कि जो वादी मुकदमा है उनके घर से लूटपाट के दौरान जाना बताया जा रहा है।